ये एक ऐसा ट्री है जिसे ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। वही ट्री जिसके बारे में हमने बचपन में कहानियां और किस्से सुने थे कि इस पेड़ के नीचे कभी भी सोना नहीं चाहिए। That's right, पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री है। इनफैक्ट इतना इंपॉर्टेंट कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न भी पीपल के पत्ते के शेप में ही है, जो कि पीस और विजडम का एक सिंबल माना जाता है। पर पीपल का पेड़ एनवायरमेंट के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या इनकी एग्जिस्टेंस से ह्यूमंस को कोई फायदा होता है? पर आज इनकी इंपॉर्टेंस जानना इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो गया है? पीपल ट्री का साइंटिफिक नाम है फीकस रेलिगियोसा। ये ट्रीज बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं। पीपल के पेड़ की एवरेज हाइट 100 फीट तक हो सकती है और इनके ट्रंक्स 10 फीट तक मोटे हो सकते हैं। ये पेड़ इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स और सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं और इनके ग्रो करने के लिए गर्म और ह्यूमिडिटी वाले क्लाइमेट की जरूरत होती है। ये तो पीपल के पेड़ की कुछ बेसिक सी जानकारी थी। अब इनके कुछ अमेजिंग से फैक्ट जानते हैं। पीपल ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन इवन एट नाइट। हम सब जानते हैं कि ट्रीज और प्लांट्स सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाते हैं, पर पीपल ट्री दुनिया के उन कुछ ट्रीज में आता है जो कि रात में भी सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है। विच मीन्स पीपल के पेड़ अपनी पूरी लाइफ स्पेन एनवायरमेंट में ऑक्सीजन एमिट करते रहते हैं। सेकंड, पीपल ट्रीज हैव एन एक्सट्रीमली लॉन्ग लाइफ स्पेन। पीपल के पेड़ की लाइफ स्पेन बहुत ही लंबी होती है। इनफैक्ट यू विल बी अमेज्ड टू नो कि पीपल की एवरेज लाइफ 900 to 1500 ईयर्स तक हो सकती है। यहां तक कि कुछ पीपल ट्रीज की लाइफ स्पेन अराउंड 3000 ईयर्स भी रिपोर्ट की गई है। थर्ड, पीपल ट्रीज हैव वेरी लॉन्ग रूट्स। पीपल के रूट्स टैप रूट सिस्टम में ग्रो करते हैं, मतलब कि ये जमीन के अंदर हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, जिससे कि ये सॉइल में काफी डीप जा सकते हैं। फोर्थ, पीपल ट्रीज आर डॉक्टर्स। दैट्स राइट, पीपल ट्रीज में बहुत सारी मेडिसिनल क्वालिटीज भी हैं। पीपल ट्री का ऑलमोस्ट हर पार्ट आयुर्वेदिक मेडिकेशन में यूज किया जाता है। ये मोर देन 50 डिजीजेस को ट्रीट करने में यूज होता है, जैसे कि हार्ट डिजीज, इरिटेशन, पुअर एपेटाइट एटसेट्रा। पीपल के पेड़ काफी लंबे और फैले हुए होते हैं। इन ट्रीज के रूट्स भी बहुत ज्यादा एरिया में स्प्रेड होते हैं और इसी वजह से शहरों में लोग इन ट्रीज को काट देते हैं। और यही रीजन है कि आज हमें पीपल के पेड़ बहुत ही कम दिखाई देते हैं और इनके डिक्रीजिंग नंबर्स की वजह से एनवायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो आज समझते हैं कि हमारे प्लेनेट पे पीपल के पेड़ की एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्या है। वन, पीपल ट्रीज सपोर्ट अ स्मॉल इकोसिस्टम विद इन देम। पीपल ट्रीज के सिर्फ ट्रंक और ब्रांचेस ही फैली नहीं होती, बल्कि इनकी लीव्स के नंबर भी बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि बर्ड्स, इंसेक्ट्स, छोटी रोडेंट्स जैसे कि स्क्विरल्स के रहने की आइडियल लोकेशन बन जाती है और इनमें होने वाले पीपल के फ्रूट्स उन सब का खाना बन जाते हैं। और इसी तरह ये ट्रीज बहुत सारे लिविंग बींग्स के सर्वाइवल का इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू, पीपल ट्री इज अ नेचुरल एयर प्यूरिफायर। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट पीपल ट्री हवा में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को मार सकता है, जिससे कि वो अपने आसपास की हवा को क्लीन और प्योर बनाते हैं। Isn't that a magical part? Third, पीपल ट्री helps in preserving the ozone layer. अर्थ के सर्फेस से अराउंड 15 to 30 किलोमीटर ऊपर ओजोन नाम की एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो अर्थ को सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। इवन देन, पिछले कुछ सालों में ओजोन लेयर थिन होती जा रही है और पीपल के पेड़ से निकलने वाला सब्सटेंस आइसोप्रीन ओजोन लेयर को रिस्टोर करता है और इसीलिए ये ट्रीज हमारे लिए आज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, पीपल ट्रीज आर नेचुरल कूलर्स। पीपल के रूट्स काफी गहराई तक जमीन में जाते हैं, जो किसी वाटर पंप की तरह काम करते हैं, जिससे प्लांट के लीफ तक पानी और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाया जा सके। इसी प्रोसेस में वो अपने आसपास के एनवायरमेंट को कूल भी करते हैं और इसीलिए पीक समर डेज में हम पीपल ट्री के पास बैठना पसंद करते हैं। 5, पीपल ट्रीज रिलीज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। पीपल ट्री एक साल में अराउंड 6000 पाउंड ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जबकि एक नॉर्मल ट्री पूरे साल में अराउंड 260 पाउंड ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस कर पाते हैं, जो कि पीपल ट्री के मुकाबले बहुत ही कम है। Isn't that amazing? इन सब बेनिफिट्स के बाद भी आज पीपल के पेड़ को कई जगह पे काट दिया जाता है।
इस वीडियो को बनाने का मेन रीजन यही था कि लोग पीपल के पेड़ की इम्पोर्टेंस समझें, और पीपल का पेड़ अगर आसपास कहीं कट रहा हो तो अपनी आवाज उठाएं। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली है तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीपल ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को इस ट्री की इम्पोर्टेंस पता चलेगी उतनी ही जल्दी हम इन ट्रीज को दोबारा फ्लरिश करने में हेल्प कर पाएंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू।